हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं अमित दीक्षित आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अनएकेडमी के प्लेसिबो प्लेटफॉर्म में। नमस्कार और सबको सलाम। और गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर करने जा रहे हैं बॉटनी का। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कम्प्लीट होती है। तो इसके पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, बच्चों मैं तुमको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ एक टीम है जो टीम आपको नीट की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है। उस नीट की टीम में एक से बढ़कर एक एजुकेटर आपके साथ कनेक्टेड हैं और आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं बात कर रहा हूं बकुल देव सर की, मैं बात कर रहा हूं दीपक सर की, मैं बात कर रहा हूं रितु मैम की, रोहित सर की, आनंद सर की। इन सब लोगों की टीम का आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। और वो बेनिफिट कैसे लेंगे, वो बेनिफिट आप कैसे लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले मैं आज कौन सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने आया हूं उसका नाम बताता हूं, और वो है प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और साथ में मैं एक और प्रोसेस जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, आप तो मेरे बारे में जानते ही, मेरा नाम अमित दीक्षित और मैं कोटा में पिछले 16 सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों की मेंटरशिप कर चुका हूं, कई सारी किताबें लिख चुका हूं और अब अनएकेडमी के प्लेसिबो प्लेटफॉर्म की मदद से आप सबके साथ रूबरू हूं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप हम जैसे जितने भी टॉप क्लास एजुकेटर्स हैं उनके साथ कैसे जुड़ेंगे। तो उनको जुड़ने के पहले ये तो जानना बहुत जरूरी है कि उनको जुड़ने से फायदा क्या होगा। उनको जुड़ने से फायदा ये होगा कि आप उन सारे लोगों के लेक्चर प्लस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, माने आपको अनएकेडमी का एक प्लस सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करना होता है। और वो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये देखिए इतने सारे बेनिफिट हैं। आपको क्विजेज मिलते हैं, आपको टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज और टेस्ट के अलावा डबल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग का आपको बेनिफिट होता है। ये एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है क्विजेज, जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनेरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना क्वेश्चनेरियर्स किए आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। आपको बहुत डाउटफुल बना रहेगा कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए क्विजेज और टेस्ट होते हैं। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस क्या होते हैं कि पढ़ते समय जो आपको समस्याएं आती हैं, आपको लगता है ये मेरा क्लियर नहीं है, ये मेरा क्लियर नहीं है, ये मेरे को आना चाहिए, वो मेरे को आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको सॉल्व होती है। और हाँ, प्लस सेशन की एक और खास बात, हर तीन लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर जो होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन का होता है। और आज मैं भी डाउट क्लियरिंग सेशन करके ही आपके साथ कनेक्टेड हूँ। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में बच्चे अपने सारे डाउट मेरे से पूछते हैं, मैं उनके डाउट्स का जवाब देता हूँ, है ना। इसके बाद लाइव क्लासेस चलती हैं, मैंने आपको बताया कि जब क्लास चल रही होती है तो आप चलती हुई क्लास के दौरान हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं और आप हमसे डाउट नहीं पूछ सकते ड्यूरिंग द क्लास, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। और सबसे लास्ट में पर्सनलाइज लर्निंग का फ़ायदा मिलता है। पर्सनलाइज लर्निंग का क्या बेनिफिट मिलता है, पर्सनलाइज लर्निंग का बेनिफिट ये मिलता है कि आपको जितना भी पढ़ाया गया है वो ऐसा फील आपको होगा कि वो आपको ही फोकस करके पढ़ाया गया है, आपको ही डेडिकेट करके पढ़ाया गया है। तो जब आपको डेडिकेट करके पढ़ाया गया, आपको फोकस करके पढ़ाया गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो पर्सनलाइज लर्निंग हो रही है ये कहीं ग्रुप लर्निंग का लॉस तो नहीं कर रही है, लेकिन बिल्कुल लॉस नहीं कर रही है, इसका यकीन मैं आपको दिलाता हूं और इसका मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। प्लस प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई बच्चा डाउट पूछता है बच्चे, तो वो डाउट सबके सामने रिवल होता है। और जब वो सबके सामने रिवल होता है तो उस डाउट को सुनकर और उस डाउट का जब आंसर फैकल्टी देती है उसको सुनकर सारे मेंबर्स को बेनिफिट होता है, सारे लोगों को फायदा होता है। तो इस तरह से बेनिफिट ही बेनिफिट है हर तरफ से, राइट। अच्छा, अब आगे चलें अगर, तो इतने अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं, आप देख रहे हैं ना, इतने अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं। इन एडुकेटर्स से जुड़ने के लिए, अटैच होने के लिए क्या करना है आपको, आपको कोई ना कोई एक कोर्स ऑप्ट करना है, चाहे एक महीने का, चाहे तीन महीने का, चाहे छः महीने का, चाहे बारह महीने का, चाहे चौबीस महीने का,
कोई एक आप एक कोर्स ऑप्ट कर लीजिए, और आप अगर 12 महीने का कोर्स ऑप्ट करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। क्यों आपके लिए बढ़िया रहेगा? क्योंकि 12 महीने का जब आप कोर्स ऑप्ट करेंगे तो आपको 5,000 रुपये पर मंथ के बजाय मात्र 2,083 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। तो ये आधे से भी कम हो गया, माने 60% के आसपास आपको डिस्काउंट हो गया। और ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 25,000 का मिलता है, लेकिन आपको मिलेगा कितने का? 25,000 के बजाय, अगर आप मेरा ये कोड अप्लाई करेंगे। तो इस कोड को अप्लाई करते ही आपको बेनिफिट होगा 10% का एडिशनल। और फीस कितनी हो जाएगी? फीस हो जाएगी 22,500। दिस इज द मैजिक ऑफ द कोड। तो अप्लाई द कोड एंड फील द मैजिक, राइट? अच्छा, आगे चलते हैं। अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते हैं तो 5000 वाला कोर्स आपको मिलता है 1667 में। अगर 1667 की बात करें तो 1667 में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट मिलेगा कि भाई आप 2 साल तक इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर से पढ़ाई कर सकते हो। और अगर 2 साल तक इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर से पढ़ाई कर सकते हो तो आपको बिल्कुल, मैं आपको शुद्ध भाषा में बता दूं कि भाई 24 महीने की फीस होगी 40,000। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आप जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस 36,000। यू नो हाउ इजी टू अंडरस्टैंड कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्वालिटेटिव भी है, आपके ट्रैवलिंग और टाइम और पैसे और आपकी एनर्जी की बचत भी करता है, हर तरह से फायदा ही फायदा। तो फिर सोच किस चीज के बारे में रहे हो, सीधे प्लस कोर्स सब्सक्राइब करो और पढ़ना शुरू करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने आया हूं, समझाने आया हूं, उस टॉपिक का नाम है पहले तो फर्टिलाइजेशन। बच्चों जब मैं बताता हूं फर्टिलाइजेशन, तो जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखा भी है कि इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बट समटाइम द डेफिनेशन इज नॉट सेम। समटाइम द डेफिनेशन इज फ्यूजन ऑफ अपोजिट गैमेट, दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो अपोजिट गैमेट के बीच के फ्यूजन को भी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यू नो फर्टिलाइजेशन इज वेरी एसेंशियल स्टेप। दो गैमेट का मिलना एक बहुत जरूरी इवेंट है, बहुत जरूरी स्टेप है अगली जनरेशन लॉन्च करने के लिए। और मैं ये सारी बातें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टिव में बोल रहा हूं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावे भी बहुत सारे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं जहां देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑप्शनल। बट इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द यू नो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का सीधा मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक तरह का एक स्टेपिंग स्टोन है। अगर ये बैरियर क्रॉस नहीं हुआ तो अगली जनरेशन बनेगी ही नहीं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ सकता। जैसे आप मान लीजिए नीट का प्रिपरेशन करते हैं और आप बोले मेरे को फॉर्म ही नहीं भरना। अरे यार, जब फॉर्म ही नहीं भरोगे नीट का, एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरोगे, तो फिर मतलब क्या है? फिर थोड़ी ना आप कोई पढ़ाई काम आएगी आपके। तो इसी तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बिना, स्टेप के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकम्प्लीट है, अधूरा है, हो ही नहीं सकता। तो इट इज अनअवॉइडेबल स्टेप ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो बडी एंड नो ऑर्गेनिज्म एंड नो प्लांट कैन अवॉइड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, नाउ सो मेनी क्वेश्चन अराइजेस हियर, यू नो व्हाई फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? बिकॉज हैप्लॉइड गैमेट वॉन्ट टू फ्यूज एंड वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। Then where fertilization takes place? Of course, fertilization takes place at particular place where there is a great chance of syngamy or the great chance of fusion. If the condition are not suitable, fertilization never happen. तो कहाँ होता है fertilization? Male और female gamete का fusion plant या animal या किसी भी organism में उस location पर होता है जहाँ पर chances of fusion is maximum. राइट, वहां पर होता है। अब कब होता है फर्टिलाइजेशन? कब होता है? ठीक है,
तो इफ आई आस्क यू व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो इसके दो आंसर हैं। पहला, फर्टिलाइजेशन तब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट मैच्योर हो चुके होते हैं। बिफोर देयर मैच्योरिटी देयर इज नो स्कोप, यानी कि इसका आंसर होगा आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट की मैच्योरिटी गेन करने के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं कि कब होता है, सॉरी कब तो हो गया, कहां होता है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो जब मैं पूछता हूं कहां होता है, तो इसका आंसर होगा द मोस्ट प्रोबेबल प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन इज यू नो इन प्लांट, स्पेसिफिकली ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल एंड इनसाइड द ओव्यूल देर इज ए एम्ब्रियो सैक, दैट इज द प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो कहां होता है, कब होता है, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कट समझाए कि फर्टिलाइजेशन का बेसिक आइडिया क्या है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब हम टाइप की बात करते हैं तो एक तो है साइफोनोगैमी और दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन आ गया। तो यहां पर साइफोनोगैमी का मतलब क्या है, साइफोनोगैमी और जॉयडोगैमी दो प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। या मैं लिख देता हूं दूसरा नंबर, नंबर टू इज जॉयडोगैमी। मैं दोनों को समझाता हूं, जरा समझिए। पहला था साइफोनोगैमी क्या होता है। साइफोनोगैमी का मतलब साइफोनोगैमी फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की जिसमें पॉलन ट्यूब एक साइफनस स्ट्रक्चर बनाता हुआ स्टाइल से गुजरता हुआ और ओव्यूल तक पहुंचता है। माने अगर मैं डायग्रामेटिकली समझूं यहां पर, तो मैं इधर बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए स्टाइल है और ये मान लीजिए ओवरी है और यहां पर ये ओव्यूल है। अब मैं कलर चेंज करता हूं और कलर चेंज करके पॉलन ट्यूब को बनाता हूं। यहां से पॉलन ट्यूब आ रही है, ये पॉलन ट्यूब ऐसे करके इधर से एंटर करती है। तो जो पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई है वो एक साइफनस स्ट्रक्चर के द्वारा हुई है। साइफन का मतलब एक खोखली स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, और यही प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी का मतलब ये जो पॉलन ट्यूब है इसकी मदद से मेल गैमिट फीमेल गैमिट को अप्रोच कर रहा है, और ये प्रोसेस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में होती है। लेकिन अगर लोअर प्लांट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल टेरिडोफाइटा की बात करें, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइटा की बात करें, तो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में इस तरह से कोई भी पॉलन ट्यूब नहीं होती, देयर इज नो पॉलन ट्यूब। माने जो भी मेल गैमिट है वो मेल गैमिट डायरेक्टली पहुंचता है टुवर्ड्स फीमेल गैमिट, डायरेक्ट फीमेल गैमिट के पास पहुंचता है। जबकि यहां पर मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास पहुंचने के लिए एक नली नुमा, एक ट्यूब नुमा, एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और बच्चों उस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है साइफन या पॉलन ट्यूब, वो खोखली होती है, और उसी के अंदर मेल गैमिट हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होकर के पहुंच जाते हैं एम्ब्रियो सैक के पास। तो इसी को साइफोनोगैमी बोलते हैं। माने एक स्ट्रक्चर की मदद से, एक सहायता की, डायरेक्ट नहीं गए, डायरेक्ट जाते तो बोलते जॉयडोगैमी, और किसी इनडायरेक्टली पहुंचे वाया पॉलन ट्यूब पहुंचे तो उसको बोला गया साइफोनोगैमी। तो आई होप साइफोनोगैमी एंड जॉयडोगैमी इज वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, यू नो,
Next is the double fertilization. Let I want to tell you a very interesting story about the double fertilization. So are you interested to listen this story? Okay. Thank you. ध्यान से सुनेंगे. Double fertilization की जो process है बच्चों, ये प्रक्रिया double fertilization की क्यों होती है? जब मैं पूछता हूँ क्यों होती है, why? तो आपके पास इसके दो जवाब हैं, या मेरे पास इसके दो जवाब हैं, या इसके दो answer अपने आप बनते हैं. पहला answer बनता है what is the reason and what is the benefit. तो अक्सर आप इसका जवाब जब मेरे को बताते हो तो आप बेनिफिट वाला जवाब बताते हो, किसका बेनिफिट क्या है. मगर मैं बेनिफिट से ज्यादा रीजन में इंटरेस्टेड हूं. आप मुझे रीजन बताएं, आप मुझे बेनिफिट ना बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट पता हैं डबल फर्टिलाइजेशन के. आप तो रीजन बताइए क्यों होता है, क्यों है, ना हो तो क्या दिक्कत है. अच्छा, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं. जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, टेरिडोफाइटा प्लांट में कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एनिमल्स में कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो आखिर एंजियोस्पर्म में क्यों होता है, रीजन क्या है, क्यों हुआ? दूसरों में तो नहीं होता, इनमें क्यों हुआ? अब मुझे पता है बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं. कोई बात नहीं, आप नहीं बता पा रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. मैं आपके जवाब को पूरा कर देता हूं. अगर आपका जवाब मेरे जवाब से मैच कर जाए तो आप मुस्कुरा सकते हैं. अगर आपका जवाब मेरे जवाब से जुड़ सकता है, कनेक्ट हो गया, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे लोगों को बताएं कि मेरा आंसर सही था. देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिम्नोस्पर्म की. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं बच्चों, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं. वो प्रॉब्लम है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन के बाद सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है. जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन के बाद सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है. और जब सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है. तो वैज्ञानिकों ने स्टडी किया कि भाई क्या चक्कर क्या है. तो उन्होंने देखा कि प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट अपने अंदर फर्टिलाइजेशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ भी पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन आते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, वो सब प्रोसेस होती है. तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट प्लानिंग करते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन होने वाला है, चलो तैयारी करते हैं. और तैयारी होती है अच्छे से. और उस तैयारी में पता है एक मेन इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन क्या होती है बेटा? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या करते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बना लेते हैं. शायद आपको पता होगा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बना लेते हैं एज फॉर द प्रिकॉशनरी मैकेनिज्म कि भाई आगे फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उसके लिए खाना तो एक बनाना पड़ेगा ना, स्टोर करना पड़ेगा ना. एंड इट इज अ वेरी वंडरफुल मैकेनिज्म, क्योंकि आपने अर्लियर सोच करके कि भाई फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, तो उसको खाना चाहिए, तो प्लांट ने बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म को बना लिया. दैट इज गुड. बट समटाइम यू थिंक वेरी गुड, बट द नेचर डू नॉट थिंक सेम. आपने तो बहुत बढ़िया सजाया घर, सजाए बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाए, पत्तियां लगाई, गार्डन सजाया इतनी अच्छे अच्छे, और पानी ऐसा बरसा, आंधी ऐसी आई, सब उड़ गया, कुछ बचा ही नहीं. तो नेचर ने एक बड़ा अन्याय किया जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के साथ कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन के बाद सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन बहुत पुअर रहा. द सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी पुअर इन जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम आई कि उनका जो एंडोस्पर्म था, जो बिफोर फर्टिलाइजेशन उन्होंने तैयार किया था फॉर अपकमिंग जाइगोट, वो एंडोस्पर्म वेस्टेज होने लगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा था. तो मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट लूजिंग एंड वेस्टिंग देयर एंडोस्पर्म बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ द फर्टिलाइजेशन. That was a very big problem. It is not a very simple problem. You know, बच्चों, एंडोस्पर्म में खाना इकट्ठा करना कोई
ऐसे नहीं है कि खाना इकट्ठा, इट्स अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और नेचर में जब कोई चीज़ एनर्जी कंज्यूम करके बनाई जाती तो उसको ऐसे ही नहीं बर्बाद किया जा सकता, उसको बड़े ध्यान से मतलब बचाना पड़ता है। तो नेचर ने क्या देखा कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का एंडोस्पर्म बर्बाद हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसमें प्लांट की कोई गलती नहीं है, प्लांट तो पहले से अच्छी प्लानिंग कर रहा है, बट दूसरी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन की जो रेस्टिंग पीरियड है पॉलन चेम्बर में, वो कभी 1 साल, कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, 2.5 साल तक होता है। तो इतना इतना लंबा लंबा रेस्टिंग पीरियड होने से यू नो इट इज़ वेरी बैड फॉर द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एंड एवरी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इज़ वेरी दुखी। अरे यार, ये तो मेरा सब एंडोस्पर्म बर्बाद हो जा रहा है। सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट ने मीटिंग बुलाई उधर दिल्ली में, बैंगलोर में। सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आ गए, बूढ़े जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, यंग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, सब छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने, बूढ़े बच्चे, है ना, सभी आ गए। और मीटिंग हुई कि भैया ये क्या चल रहा है, भाई क्या चल रहा है, इतना बर्बादी क्यों हो रही है? बोले क्या बर्बादी हो रही है? बोले यार, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट तुम लोग देखो कितना बर्बादी कर रहे हो, एंडोस्पर्म बनाते हो, यूज होता ही नहीं। तो बोले भाई साहब, मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, जब जाइगोटी नहीं बन रहा है, जब एम्ब्रियो ही नहीं बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं? दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। अभी नेचर को लगा यार ये तो बात सही है यार, प्लांट्स की क्या गलती, प्लांट्स तो अपने हिसाब से एंडोस्पर्म बना रहे हैं, लेकिन जब जाइगोटी नहीं बन रहा है तो फिर वो बर्बाद तो होगा ही। नाउ नेचर थिंक वेरी सीरियसली, वेरी सीरियसली, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। और उन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का जो एप्लीकेशन था उसको अपडेट कर दिया, एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया। किसमें? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बहुत ही खतरनाक अपडेट आया, जैसे जैसे इसमें आता है ना, एंड्रॉयड में अपडेट्स आते हैं एक से बढ़ के, कभी आजकल 9 वाला, पाई वाला चल रहा है ना अपडेट, तो वैसे ही नेचर ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक खतरनाक अपडेट मारा। और वो खतरनाक अपडेट क्या था? दैट वॉज डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये क्या है अपडेट? अरे भैया, ये अपडेट बहुत सिंपल है, पुराने वाले प्लांट में क्या प्रॉब्लम थी फर्टिलाइजेशन में? अरे पुराने वाले में प्रॉब्लम थी कि एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता था, बाद में पता नहीं फर्टिलाइजेशन हो कि ना हो। इस वाले अपडेट में क्या किया गया? अरे भाई, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या किया गया? पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एंडोस्पर्म बनेगा। हाउ नाइस मैकेनिज्म डेवलप बाई द प्लांट ओनली इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बिकॉज इट इज ऑल टूगेदर एब्सेंट इन ऑल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट एंड इंटायर प्लांट किंगडम एक्सेप्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हेंस मिस्टर नवास्चिन, हु वॉज द डिस्कवर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, अनाउंसेज दैट दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंटायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट एनी अदर ग्रुप ऑफ द प्लांट। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अरे आ रही है तो लाइक कर दे भाई और शेयर कर दे 10-20 लोगों को, उनका भी फायदा हो जाएगा। आगे देखिए, तो सबसे पहले मैंने बताया डबल फर्टिलाइजेशन का जो पॉइंट था, डबल फर्टिलाइजेशन ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, इट इज अ यूनिक फीचर, इट इज अ यूनिक फीचर। एंड डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? इफ आई आस्क यू व्हाई, तो इसका सबसे सटीक और छोटा सा आंसर है, टू अवॉइड द लॉस ऑफ फूड, खाने की बर्बादी रोकने के लिए। इससे अच्छा आपको कोई समझा नहीं सकता जो मैंने अभी आपको समझाया है। इस खोपड़िया में घुसा लो, कोई बताएगा नहीं आपको इस तरह से जो अनएकेडमी का प्लेसिबो प्लेटफॉर्म आपको बता रहा है। इसलिए ध्यान से आप इसको समझिएगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो खाने के बर्बादी को रोकने के लिए शुरू हुआ। कैसे? पहले के प्लांट क्या करते थे? पहले एंडोस्पर्म बनाते थे और फिर फर्टिलाइजेशन करते थे, और अक्सर ये फर्टिलाइजेशन होता नहीं था तो एंडोस्पर्म बर्बाद। लेकिन अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट ने डबल फर्टिलाइजेशन करना सीखा, पहले फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट बनाया। जब एश्योर हो गया कि जाइगोट बन गया, तो
तो फिर एक और बार सेकंड फर्टिलाइजेशन किया और उससे क्या बनाया, एंडोस्पर्म। तो ये कितनी बढ़िया मैकेनिज्म रही। इसीलिए बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन में दो स्टेप हैं, एक है सिनगैमी जिससे बनेगा जाइगोट, एक है ट्रिपल फ्यूजन जिससे बनेगा एंडोस्पर्म। तो मैं थोड़ा सा आपको सिनगैमी समझा देता हूं। सिनगैमी में क्या होगा, सिनगैमी में एक मेल गैमिट होगा, वो भी कौन सा मेल गैमिट, फर्स्ट मेल गैमिट, और इसका फ्यूजन होगा एग सेल से और इसके रिजल्टेंट के रूप में क्या बनेगा, जाइगोट, और इसे कहते हैं सिनगैमी। इट इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन में एक तो होगा सेकेंड मेल गैमिट, ओके, और इसके साथ फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इससे बनेगा रिजल्टेंट के रूप में एंडोस्पर्म। अब देखो यहां पर अगर मैं समझाऊं आपको कि ये मेल गैमिट एन होता है, ये एक्स एल एन होता है, तो जाइगोट कैसा होगा, 2N। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकेंड मेल गैमिट एन होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है एन प्लस एन, दोनों मिल गया 2N हो गया, और 2N के साथ ये वाला एन मिल गया तो कितना हो गया, 3N। यानी कि एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लोइड और ये होता है डिप्लोइड। तो डिप्लोइड जाइगोट एंड ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। तो वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द प्लॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म एंड प्लॉइडी ऑफ द जाइगोट। डायरेक्ट एंडोस्पोर नहीं बनता, पहले बनता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर उस PEN से बनता है एंडोस्पर्म, प्रॉपर एंडोस्पर्म। बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं आगे की स्लाइड में ये प्रोसेस को समझने का ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर एक मैंने सिंपल सा क्या बनाया, यहां पर मैंने एक सिंपल सा बनाया पॉलन ग्रेन, दिस इज पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन की पोजीशन अगर देखो आप तो किसके ऊपर है, स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज स्टिग्मा, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिग्मा, एंड दिस इलोंगेटेड पार्ट ऑफ स्टिग्मा इज नोन एज स्टाइल, and this swollen portion of the carpel is known as ovary. And for your kind information, this ovary have 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovule. And every ovule have their own embryo sac. The embryo sac of this ovule is different. इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और सबका अलग। इन सभी का embryo sac अलग अलग होता है और हर embryo sac के पास अपनी एक एग सेल होती है जो फीमेल गैमिट कहलाती है। तो यानी कि यहां पर फीमेल गैमिट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस डायग्राम को देखकर बताओ इसमें कितने फीमेल गैमिट हो सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम, तो आप क्या बताओगे, अगर 6 ओव्यूल हैं तो 6 ओव्यूल इज इक्वल टू 6 एम्ब्रियो सैक, एंड 6 एम्ब्रियो सैक इज इक्वल टू 6 एग सेल, क्योंकि एक एम्ब्रियो सैक में कम से कम एक एग सेल तो होगा ही होगा। तो इस डायग्राम में टोटल 6 एग सेल हैं, माने 6 मेल गैमिट हैं। तो ऊपर से जो पॉलन ट्यूब आएगी, ये देखिए दिस इज द पॉलन ट्यूब, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस पॉलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन से डेवलप होती है और ये पॉलन ट्यूब सीधे एंटर करती है कहां, एम्ब्रियो सैक के पास, और वो पॉलन ट्यूब अपने अंदर, ये देखिए दो मेल गैमिट आप देख रहे हैं, इसमें से एक को कह सकते हैं फर्स्ट, एक को कह सकते हैं सेकंड, इसी का मैंने आपको रेफरेंस दिया था। इनमें से एक मेल गैमिट क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा मेल गैमिट क्या करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो जरा देखते हैं फ्यूजन कैसे होता है। देखिए यहां पर ये ओव्यूल है मैंने बताया, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एग सेल भी है, और अगर ध्यान से देखें तो पोलर न्यूक्लियाई भी है। तो पोलर न्यूक्लियाई भी बना दिया और एक्सेल भी बना दिया,
और ये मैंने यहां पर समझा दिया कि यहां पर ये और ये दो पार्ट आपने क्लियर कर दिए। अब फाइनल डायग्राम देखिए, ये जो आपके ऊपर से मैंने समझाया ये क्या आ रही है, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, और इस पॉलन ट्यूब के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, दो मेल गैमिट हैं। इनमें से एक मेल गैमिट मान लो ये है जो रिलीज हो गया, और दूसरा मेल गैमिट मान लो ये है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, इसमें से एक मेल गैमिट इसके साथ और एक मेल गैमिट इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, और जब फ्यूज कर जाएगा तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो बनाएगा PEN, लेकिन ये बाद में बनेगा, उसके पहले ये दोनों आपस में क्रॉस करके क्या रिजल्ट बनाएंगे, जाइगोट। अब जरा मुझे बताओ इसमें से कौन सा होगा डिप्लॉयड, कौन सा होगा ट्रिप्लॉयड। जाइगोट इज 2N, राइट, एंड PEN इज द 3N। व्हाई इट इज 3N, बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई इज N प्लस N एंड द मेल गैमेट इज N, दैट इज व्हाई द इंटायर PEN स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉयड। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, तीन गुना तेजी से खाना इकट्ठा होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा था, हैप्लॉयड। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉयड। तो डिफरेंस क्या है, वहां हैप्लॉयड एंडोस्पर्म, यहां ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। तो खाना जल्दी जल्दी इकट्ठा होता है क्योंकि यहां टाइम कम है, क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब जल्दी से खाना इकट्ठा करना है, तो ट्रिप्लॉयड टिश्यू रिक्वायर्ड है। वहां पर तो टाइम ही टाइम था क्योंकि खाना पहले ही स्टोर होना शुरू हो गया बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसलिए वहां हैप्लॉयड होता है और यहां ट्रिप्लॉयड होता है। तो भैया अपना वीडियो शेयर कर दो, थोड़ा दूसरों के काम आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं बच्चों। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न हियर, सिनगैमी वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, दिट इज अ फैक्ट यू हैव टू लर्न एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ताकि कोई एग्जाम में दिक्कत ना आए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन, तो देर आर 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व, और अगर मैं उनके पांचों के नाम पूछूं तो एक मेल गैमिट, सेकेंड मेल गैमिट, ये दो न्यूक्लियस हो गए, और यहां पर एक फीमेल गैमिट, और यहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां पर काउंटिंग करें अगर, तो यहां पर टोटल कितने हो गए, यहां पर टोटल हो गए 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल 5 न्यूक्लियाई, दो ये वाले हो गए पोलर न्यूक्लियाई, एक ये और ये हो गए ऊपर के। अगर इस डायग्राम में दोबारा से काउंटिंग कर लें तो अच्छा रहेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए, तो ये 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। बच्चों आगे एक चीज मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई 4N फीमेल प्लांट है और अगर कोई 8N मेल प्लांट है, 4N कैसा है फीमेल प्लांट, 8N कैसा है मेल प्लांट, तो आपको बताना है कि इसका एंडोस्पर्म और इसका जाइगोट का प्लॉयडी क्या होगा। तो इस सवाल को मैं करके आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेंगे कि इनका प्लॉयडी क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं पहले सीधे डायरेक्ट, अगर कोई प्लांट फीमेल प्लांट 4N है तो इसका N क्या होगा, इसका N होगा 2N, और अगर कोई मेल प्लांट 8N है तो इसका N क्या होगा, इसका N होगा 4N। तो इसका N लिख लो यहां पर और इसका N यहां पर लिख लो, इसका N कितना हो गया, इसका N हो गया 2N, और इसका N बराबर कितना हो गया 4N, इसका N हो गया 4N, राइट, 4N, राइट। अब आपको क्या बताना है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, इन दोनों के क्रॉस से एंडोस्पर्म बनेगा, तो एंडोस्पर्म होता है एक्चुअली दोनों के क्रॉस से। तो जरा यहां पर मैं समझाता हूं कि इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अब समझाते हैं। देखिए एंडोस्पर्म जो बनता है वो बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई
और एक मेल गैमेट से। तो यहां पर मेल गैमेट तो ये वाला होगा क्योंकि ये मेल है, तो ये तो हो गया, इधर से आ गया 4n क्योंकि ये n आ गया, और इधर से क्या लेना पड़ेगा, इधर से n के बजाय 2n लेना पड़ेगा। क्यों 2n लेना पड़ेगा, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई n प्लस n होता है तो 2n लेना पड़ेगा। तो आपको पता है n बराबर 2n, तो आपको जब 2n लोगे तो 4n आ जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा 4n। तो 4n क्यों आया, ये 4n इधर से आया। क्यों आया इधर से 4n, क्योंकि आपको एंडोस्पर्म बनाने के लिए फीमेल का 2n चाहिए। तो आपने 2n क्यों नहीं लिया, 4n क्यों लिया, क्योंकि इसका 2n 4n के बराबर है। कैसे पता आपको, क्योंकि n बराबर 2n तो 2n बराबर 4n, इसलिए इसका 4n हो गया। आप दोनों को जोड़ दो तो आंसर आ गया 8n। ये किसका आंसर आया, ये आंसर आया एंडोस्पोर का, एंडोस्पर्म का। अब जाइगोट का आंसर निकालते हैं। देखिए जाइगोट अगर बनाना है तो जाइगोट में आपको n प्लस n करना होगा, फीमेल का n और मेल का n। तो फीमेल का n क्या है, फीमेल का n है 2n, तो यहां पे लिख लिया 2n, और मेल का n क्या है 4n, तो यहां पर कर दिया 4n। तो आंसर क्या आ गया 6n, यानी कि जाइगोट होगा 6n और एंडोस्पर्म होगा 8n। याद रहेगा, इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लॉजिकल इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो बच्चे आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट है ये आपके सामने, जिसमें मैं आपको बताता हूं स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन का स्टेप होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहला स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। सही बात है, पहले तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, फिर एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू स्टाइल, फिर जो पॉलन ट्यूब होगी वो स्टाइल के अंदर घुसेगी, और फिर तीसरा एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला तो पॉइंट आप समझ ही गए होंगे कि मान लो यहां पर ऐसे ये स्टिग्मा है, और इसके ऊपर ऐसे हमने क्या बना दिया, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बना दिए, 3-4 पॉलन ग्रेन, और हर एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है, अपनी अपनी पॉलन ट्यूब बना रहा है। ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है मान लो ये मैं यहां पर पॉलन यहां पर बनाता हूं, ये स्टाइल। तो ये सारी की सारी जो सारी की सारी यहां पर ये सारी की सारी पॉलन ट्यूब है, ये सब की सब पॉलन ट्यूब इसी स्टाइल के अंदर एंटर करती हैं। अब इनको ओव्यूल के अंदर जाना है, किसके किसके अंदर जाना है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ है, थोड़ा यहां ओव्यूल बनाते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर एक ओव्यूल बना दिया, दिस इज द ओव्यूल, ये और यहां पर ओव्यूल के चारों ओर क्या होगा, ओव्यूल के चारों ओर होगा ओवरी, दिस इज द ओवरी। अब ये पॉलन ट्यूब को कहां जाना है, ये पॉलन ट्यूब को जाना है इनसाइड द ओव्यूल। कितने ऑप्शन है, देखिए मैं आप गिनाता हूं कितने ऑप्शन। देखिए एक ऑप्शन सीधे ऐसे पॉलन ट्यूब जाए ऐसे और यहां अंदर घुस जाए, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पॉलन ट्यूब इधर से जाए ऐसे और इधर से यहां से एंटर कर जाए। एक ऑप्शन क्या है, पॉलन ट्यूब इधर से जाए ऐसे 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 और इधर से एंटर कर जाए। चौथा ऑप्शन क्या है, पॉलन ट्यूब इधर से जाए, पॉलन ट्यूब इधर से जाए ऐसे 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 और इधर से एंटर कर जाए। यानी कि आप देख रहे हैं कई ऑप्शन हैं पॉलन ट्यूब के अंदर जाने के, किसके अंदर जाने के, ओव्यूल के अंदर जाने के। वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग नाम दिया, एक नाम जो सबसे ऊपर वाला था इसको बोला चैलाजोगैमी। चैलाजोगैमी माने पॉलन ट्यूब चैलाजा से एंटर करती है। दूसरे वाले को नाम दिया इसको और इसको, इन दोनों को नाम दिया मीजोगैमी। मीजोगैमी का मतलब जब पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट को क्रॉस करके अंदर जाए। और जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो है पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब है पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होगी। तो अगर चैलाजल एंड से होगी तो बोलेंगे चैलाजोगैमी, अगर इंटेगुमेंट वाले रीजन से होगी तो मीजोगैमी, और अगर माइक्रोपाइलर एंड से होगी तो क्या बोलेंगे, इसको पोरोगैमी नाम दिया जाता है। अब एक बात ये तो समझ में आ गई कि इसके अंदर पॉलन ट्यूब को जाना ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब देखिए, मैं अगर आगे आपको ले चलूं तो तीन टाइप की मैंने बताया, पोरोगैमी, मीजोगैमी, चेलाजोगैमी। और इन तीनों के बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको यहां पर जरा समझा दूं, एक डायग्राम बना करके बड़ा सा। ये मैंने एक बड़ा सा एक ओव्यूल का डायग्राम बनाया, और इस ओव्यूल के डायग्राम में मैंने यहां पर क्या बना दिया, एक एम्ब्रियो सैक भी बना दिया इस एम्ब्रियो से। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से पॉलन ट्यूब चाहे ऐसे एंटर करे, पॉलन ट्यूब चाहे यहां से एंटर करे, ओके नो प्रॉब्लम, यानी कि चलाजोगेमी। पॉलन ट्यूब चाहे इधर से एंटर करे, मीजोगेमी। पॉलन ट्यूब चाहे इधर से एंटर करे, दैट इज कॉल्ड पोरोगेमी। चाहे पोरोगेमी हो, मीजोगेमी हो, चलाजोगेमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री हरदम एग एपरेटस के साइड से होगी, और जो एग एपरेटस है, मान लो यहां पर एग एपरेटस है, सपोज दिस इज द एग एपरेटस। तो अगर इधर एग एपरेटस है, तो अगर इधर से चलाजोगैमी हुई है, तो ये चलाजोगैमी ऐसे करके इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये चलाजोगैमी अगर इधर से हुई है, तो ये पॉलन ट्यूब ऐसे घूम करके एंटर इधर से ही करेगी, चाहे भले चलाजोगैमी ही क्यों ना हुई हो। और अगर मीजोगैमी हुई है, तब भी उसकी एंट्री किधर से होगी, इधर से ही होगी, चाहे मीजोगैमी ही क्यों ना हुई हो। और अगर पोरोगैमी हुई है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। माने एम्ब्रियो माने ओव्यूल के अंदर आने के तीन रास्ते हैं, ध्यान से समझिएगा। ओव्यूल के अंदर आने के तीन रास्ते हैं, एक दो तीन, चलाजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी, तीन रास्ते हैं। लेकिन ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इन तीनों का एक ही रास्ता है, वो है एग एपरेटस के साइड से। और किसी मेथड से, किसी और जगह से ये पॉलन ट्यूब अंदर नहीं जा सकती। और इधर से क्यों अंदर जाती है, क्योंकि यहां पर फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, देखिए, ये मान लीजिए एग एपरेटस की तीनों सेल हैं, एक सेल एग सेल, एक सेल सिनर्जिड सेल। तो जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और ये कुछ केमिकल सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से एग सेल इनकी तरफ अट्रैक्ट, वो पॉलन ट्यूब इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और जब पॉलन ट्यूब इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो यहीं से एंटर कर जाती हैं। और जब पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पहले एक और उसके बाद दूसरी। ये दोनों की दोनों सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इन साइड द एम्ब्रियो सैक। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिए, फ्यूजन ऑफ गैमिट जब होगा, तो जो फर्स्ट मेल गैमिट होगा वो एक के साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा 2n जाइगोट, एंड दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। एंड जो सेकेंड मेल गैमिट होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और बनाएगा 3n, दैट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये आगे चल करके एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, राइट? आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों, बहुत सारे प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के अलावा पॉलीस्पर्मी का एक फंडामेंटल देखा गया है। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एंट्रेंस ऑफ मोर देन टू गैमिट, कहां, एम्ब्रियो सैक के अंदर। माने जब किसी एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये एम्ब्रियो सैक है, कई पॉलन ट्यूब एंटर कर जाएं और अपने साथ गैमिट को लेके आ जाएं, तो इस तरह की पॉलीस्पर्मी की प्रोसेस देखने को मिलती है। एंट्रेंस ऑफ मोर देन टू गैमिट इन साइड द एम्ब्रियो सैक,
और वो कब होगा, जब बहुत सारी पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंटर कर जाएंगी, तभी पॉली स्पर्मी की प्रोसेस देखने को मिलती है। इट इज ए एबनॉर्मल एक्टिविटी नोटिस इन द प्लांट, राइट। बच्चों एक होता है सेमीगैमी, ये भी एक मिलता जुलता वर्ड है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया स्पर्मोगैमी, उसी तरह से जैसे मैंने पीछे आपको बताया पॉलीस्पर्मी, वैसे ही ये वर्ड है सेमीगैमी। सेमीगैमी का मतलब होता है एंट्रेंस ऑफ मेल गैमेट नॉट फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट, माने पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में चली गई, लेकिन एम्ब्रियो सैक में जाने के बाद मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन ही नहीं किया, तो आधा काम हुआ ही नहीं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमीगैमी। बच्चों एक होता है हेट्रोफर्टिलाइजेशन वर्ड, ये सारे वर्ड बड़े टेक्निकल हैं, जो सिर्फ मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, बस इतने सुनने से आपका काम हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ एग विद मेल गैमेट एंड वन पॉलन ट्यूब एंड द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद मेल गैमेट ऑफ अदर पॉलन ट्यूब, इट इज कॉल्ड हेट्रोफर्टिलाइजेशन। देखो ये एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एग सेल है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब ऊपर से पॉलन ट्यूब आती है, एक पॉलन ट्यूब इधर से एंटर कर गई और एक पॉलन ट्यूब इधर से एंटर कर गई, ठीक। इस पॉलन ट्यूब का जो एंट्रेंस हुआ वो एंट्रेंस होगा तो इधर से ही, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं, इसका होगा तो इधर से ही एंट्रेंस, ए मान लीजिए ये ऐसे इधर से एंट्रेंस कर गई, ऐसे इधर से एंट्रेंस कर गई, तो दोनों के मेल, एक मेल गैमेट इसका यहां आ गया और दूसरा इसका यहां आ गया। अब दोनों में दो दो मेल गैमेट होते हैं, एक इसका यहां आ गया और एक इसका हमने और यहां बना लिया, एक इसका भी यहां हमने बना लिया, तो ये दोनों मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब के हैं। मान लीजिए ये पॉलन ट्यूब ए है तो इसके ए वन और ए टू है पॉलन ट्यूब, ये पॉलन, ये ए वन और ए टू, और ये मान लीजिए पॉलन ट्यूब बी है तो ये हो जाएंगे बी वन और बी टू। तो अब क्या हुआ, जो एक्स सेल था वो मान लो ए वन से फ्यूज कर गया और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई थे वो बी वन से फ्यूज कर गए, माने दो पॉलन ट्यूब पार्टिसिपेट कर गई फर्टिलाइजेशन में, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोफर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोफर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, इंटेगुमेंट सीड कोट में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में, वॉल ऑफ द ओवरी पेरिकार्प में और न्यूसिलस डिजेनरेट करके खत्म हो जाता है। ये चेंजेस हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में देखने को मिलते हैं। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो उन सब बच्चों को पहुंचा दें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ अपने पास तक नहीं रखेंगे, उन सब लोगों तक पहुंचाएंगे जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं प्लस कोर्स के बारे में, जिसमें आपको मेरा कोड अप्लाई करना है अमित 10। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।